हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं अपने चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहेंगे, सफलता अवश्य मिलेगी। आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाते जाइए और अपने आप को बैलेंस रखिए, ठीक है। तो मैं अभी जो वीडियो लेकर आई हूँ, ठीक है, ये है लव मैसेज आपके पार्टनर की तरफ से। अगर आपसे बात हो रही है, नहीं हो रही है, कॉन्टेक्ट में हो, नो कॉन्टेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, डिप्रेशन में हो, ठीक है डियर, तो यहाँ पे आपके अंदर की जो पॉजिटिविटी है, जो विश्वास है, वो आपके पार्टनर के विश्वास से मैच होता है। ये एनर्जी आप मैच कर रहे हो। अगर ये एनर्जी मैच कर रहे हो कि आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स है, उनका मैसेज है डियर, तो आपकी है। अगर नहीं आपको करती है तो गुस्सा मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि गुस्से में आदमी कोई चीज एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। उस पर मैं आपको बताने वाली हूँ। पहले लव मैसेज से पहले मैं आपको कुछ समझाने वाली हूँ, मोटिवेट करने वाली हूँ। देखिए डियर, हीलर क्या होता है? हीलिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है, माइंड बॉडी सोल को जो भी दर्द पेन है उसको निकालता है और आपको पॉजिटिविटी देता है, आपके अंदर बैलेंस लाता है, आपके अंदर विश्वास दिलाता है और ये विश्वास आपके सक्सेस की ओर जाता है, ठीक है। जैसे आपका जो भी माइंड आपका डिस्टर्ब होता है तो उसका रिमोट कंट्रोल जानते हो किसके पास है? आपके पार्टनर के पास है, ठीक है। मैं हीलर के नाते आपको समझा रही हूं कि अगर आपका माइंड का जो रिमोट सिस्टम है आपके पार्टनर के पास है तो डियर आपका विश्वास डगमगाता है, क्योंकि आप उन्हें भूल नहीं पाते, स्पाइक करते हो और बहुत परेशान हो जाते हो, डिप्रेशन, टेंशन, हेल्थ इश्यू बहुत होता है, ठीक है। अब उसको कंट्रोल करने के लिए क्या होता है? हीलिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है। ये खुद भी हील कर सकते हो, हीलर से भी हीलिंग करवा सकते हो, बट हीलिंग खुद से भी आप कर सकते हो अपने अंतर आत्मा से जुड़कर, ठीक है डियर। सबकी अपनी अपनी देखिए च्वाइस होती है, पसंद होती है इंगेज होने की, हील करने की। तो जहां अपने पार्टनर के तरफ से आप जो माइंड का रिमोट, आपका माइंड का रिमोट है, आप खुद को कंट्रोल करोगे विश्वास से और अपने टाइम को वेस्ट ना करके अपने ऊपर फोकस करोगे, अपने फिटनेस, अपने विश्वास, अपनी हीलिंग के ऊपर, सेल्फ लव पर 100% डियर कि आपके पार्टनर आपके तरफ एक्शन लेंगे, ठीक है। ये आपका विश्वास जो है कि आपके पार्टनर के तरफ बुलाता है, सिर्फ आपका विश्वास। यूनिवर्स कौन है? विश्वास है। अंतरात्मा कौन है? विश्वास है, ठीक है। भगवान को हमने सामने से थोड़ी देखा है, नहीं देखा है। भगवान कहाँ है? हम लोग के विश्वास में है, ठीक है, हमारे अंतरात्मा में है। तो क्यों हमारी चीज मैनिफेस्ट होती है? क्योंकि हम विश्वास करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं। उसी प्रकार पार्टनर आपके बाबू, लव आपका है। इस दुनिया में प्यार के बिना सृष्टि चलती भी नहीं है, सबको अपना अपना पार्टनर चाहिए, ठीक है। और पार्टनर आपके ही होते हैं, सिर्फ प्रॉब्लम आती बेटा, जो आती है, जो दुनिया आती है, सेपरेशन आता है, दोनों को एक करने के लिए आता है, पर आपको अपने ग्रोथ के लिए भी आता है, अपने रिस्पेक्ट करने के लिए भी आता है, सेल्फ लव करने के लिए भी आता है। क्यों आपको सब परेशान करते हैं, क्यों आपको दर्द पेन देते हैं? तो यूनिवर्स, एंजल्स, गॉड कहते हैं, आपके एंसेस्टर कहते हैं, अर्थ मदर कहती है कि अब जागो बेटा, आप क्यों दर्द पेन लेते हो? आप सबके लिए करते हो, खुद के लिए तो करो, खुद के लिए करो, खुद के लिए करोगे बेटा तो दुनिया तेरी कदर करेगी, तेरा नाम सम्मान बढ़ेगा, तेरा पार्टनर क्या, तेरा सब कुछ, दुनिया, सोसाइटी, समाज, अपने पेरेंट्स, भाई बहन, जो भी रिलेशन है, आपके पार्टनर, सास ससुर, सोसाइटी, समाज, सब आपकी रिस्पेक्ट करेंगे बेटा, ठीक है। तो यूनिवर्स इसलिए आपको अगर दर्द पेन दे रहे हैं, दुनिया दे रहे हैं बेटा, इसमें आपकी बहुत बड़ी कुछ खास चीजें छुपी है जो आपके अंदर है, ठीक है, उसको ढूंढिए। पार्टनर आएंगे, 100% आएंगे। क्यों ऑन ऑफ करते हैं? कि जैसे जैसे आपकी बैलेंस होती है ना, देखिए आज मुझे समझाना जरूरी था क्योंकि वुमेन्स डे है तो वो भी जरूरी है, ठीक है। तो मेल हो फीमेल हो है, ये फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हमारे मेल में भी फेमिनाइन की एनर्जी होती है, उनके लिए भी ये वीडियो है। अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, ठीक है। जहां आप अपने ऊपर बैलेंस करोगे ना, पार्टनर को ये एनर्जी बर्दाश्त नहीं होती है कि कोई मुझसे दूर जा रहा है, वो एनर्जी को बहुत मिस करने लगते हैं जब आप अपने ऊपर फोकस करते हो, ठीक है। तो जहां आपकी अपनी ऊपर फोकस होगी, आपके पार्टनर आपके तरफ, तो अपने ऊपर भी ध्यान दो, ठीक है। आप में इतना पेशेंस, बैलेंस है, इतना प्यार है डियर कि आप वीडियो देखते हो। आज मेरा ही वीडियो नहीं है डियर, आप बहुत वीडियो देखते हो, लेकिन मैं आपको सैल्यूट करना चाहती हूँ, नमस्कार करना चाहती हूँ कि आप में पेशेंस है। यही पेशेंस रखने वालों को सफलता मिलती है और मेरे दिल से दुआ है। मेरा हीलर जानते हो कौन है? मैं बहुत कभी गुस्सा में आती हूँ, कभी नहीं होता, कभी मन नहीं लेना, स्टक हो जाना, तो मेरा हीलर कौन है आपको पता है?
मैं ज्यादा ना सोचकर अपना काम करती हूँ, पढ़ाई करती हूँ, ज्ञान प्राप्त करती हूँ, कुछ ना कुछ करती हूँ, काम बढ़ता है तो काम पर फोकस करती हूँ, ठीक है। उसके बाद मेरा एक हीलर और भी है, वो है VTS म्यूजिक बैंड। VTS मेरा जो मतलब हीलिंग, मेरा हीलर है तो VTS है, ठीक है। मैं हर दिन हर गाना सुनकर जो भी हो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, वीडियो भी देखती हूँ रात में सोने से पहले, या फिर मैं पुराने गाने सुनती हूँ, सैड सॉन्ग नहीं सुनती हूँ, ठीक है, और पुराने गाने सुनती हूँ या फिर VTS का म्यूजिक बैंड वाला म्यूजिक सुनती हूँ, तो मेरा हीलर है VTS। सबसे बड़ी बात मैं आपको अपनी राज बता रही हूँ, ओल्ड सॉन्ग है जो कि लव हो, एक कनेक्शन हो, मतलब एक अजब सी फीलिंग्स आती है मुझे पुराने गाने में, वो मेरी हीलिंग है, ठीक है। VTS म्यूजिक बैंड वो हमारी हीलिंग है, वो सब हमारे हीलर हैं, तो मैं इनसे अपने आप को हील करती हूँ। आप लोग बहुत लोग VTS फैन होंगे, मुझे पता है मेरे कुछ व्यूवर्स या फिर व्यूवर्स के बच्चे VTS फैन हैं, बट मेरे हीलर वो हैं। मैंने अपने कुछ व्यूवर्स जो मुझसे सेशन लेते हैं, मुझे खास लोगों से मैंने बताया भी है, ठीक है, और वो लोग बहुत अच्छे हैं, तो मेरे हीलर हैं VTS, ठीक है। VTS फैमिली मेरे हीलर है, और मैं टीवी में, मोबाइल में, कहीं भी मैं छूटती नहीं हूँ, मैं देखती हूँ। तो थोड़ा सा आपको भी मोटिवेट कर देती हूँ कि माइंड जो है, आपका माइंड का रिमोट सिस्टम है, उसको कंट्रोल कीजिए, और आप वहां बिजी रहिए जहां आपको अपने ऊपर बैलेंस करना होता है। इसलिए मैं अपने ऊपर भी बता रही कि मैं हील अपने आप को ऐसे करती हूँ, ठीक है, जहां मुझे हीलिंग मिलती है वहां भी करती हूँ, अपने काम से हीलिंग मिलती है वहां करती हूँ, ठीक है। VTS का सॉन्ग सुनती हूँ, डांस भी करती हूँ, म्यूजिक भी गाती हूँ, और पुराने गाने भी सुनती हूँ। इसलिए मैं आपको मोटिवेट करूँ, आज खास डे है आप लोग के लिए, चाहे मेल हो या फीमेल हो, डियर सबके लिए, इसको अपने अंदर उतारिए बेटा, ठीक है। तो चलिए, मैंने आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर दिया, हीलिंग प्रोवाइड कर दिया, आज से शुरू हो जाइए कि आपके लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला, ठीक है। तो चलिए, आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स, उनका मैसेज आपके लिए क्या है, अगर मैंने बोला है तो प्लीज मेरे को बोलना कि अच्छा लगा है, ठीक है। तो चलिए मैं देखती हूँ आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स क्या है, क्या मैसेज देना चाहते हैं। यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिएगा, कृष्ण गोविंद गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग, उनका मैसेज क्या है, क्या उनके लाइफ में चल रहा है, तो प्लीज गाइड कीजिएगा, एंजल्स गाइड कीजिएगा, यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, डिवाइन गाइड कीजिएगा, कृष्ण गोविंद गाइड कीजिएगा, मेरे एंसिस्टर, व्यूअर के एंसिस्टर, सबकी ब्लेसिंग होनी चाहिए, गाइड कीजिएगा। इतना देख लेती हूँ डियर, फिर देखती हूँ क्या आता है। देखो दी, आप ही देख लो, मैं क्या बोलूं। प्यारे कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर लेना। देखिए डियर, प्यार ही प्यार है। देखिए, मुश्किलें आती हैं, थर्ड पार्टी भी आती है, मुसीबतें बहुत आती है, ठीक है। जब एहसास होता है, जब अपने काउंटर पार्ट का, तो उस वक्त की ये मिसिंग एनर्जी होती है जो ये बयां करती है, ठीक है। तो चलिए डियर, आपके पर्सन आपसे माफी मांगना चाहते हैं, ठीक है, वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, ये कहना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं, मैं बहुत खुश हूं कि तुम मेरे लाइफ में आई हो, ठीक है, और आज वो बहुत मिस कर रहे हैं। देखिए डियर, हो सकता है उनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, आपको समझाना चाहते हैं, ये समझाना चाहते हैं, थोड़ा सा वेट कर लो, वेटिंग एनर्जी आई है मेरे कुछ व्यूवर्स के लिए, मैं तुम्हें चाहता हूं, आपको किस करना चाहते हैं डियर। देखिए, ये किस करना चाहते हैं, वो सॉरी भी बोल रहे हैं, ठीक है, कैसे तुम मुझे मिल गए, किस्मत पे आए ना यकी। देखिए, अब मैं बताती हूँ, आप उनके लिए परफेक्ट हो। देखिए, आपके लिए वेटिंग एनर्जी क्यों आया है, लीगल इशू बहुत आ रहा है डियर, ठीक है। तो लीगल इशू सबके लाइफ में अपने अपने लीगल इशू हो सकते हैं, किसी के यहाँ डाइवोर्स चला, किसी को प्रॉपर्टी को लेकर हो रहा है, पैरेंट इशू भी है, और फैमिली इशू स्ट्रांग दिख रहा है, थर्ड पार्टी इशू स्ट्रांग दिख रहा है। लेकिन हो सकता है डियर कि आपके पार्टनर ने थोड़ा वेट करने बोले हो, ठीक है, ये सब कुछ ठीक करेंगे। आपको अगर दिल दुखा है तो उसके लिए आपको सॉरी बोल रहे हैं, लेकिन ये आपको कहीं ना कहीं फिजिकली आपको मिस कर रहे हैं, आपको चाहते हैं, आपको किस करना चाहते हैं, ठीक है, वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आप उनके लिए परफेक्ट हो ये कहना चाहते हैं, और ये कहना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पे कितना खूबसूरत मैसेज आया है, देखिए सोलमेट का आया डियर, देखिए वो कहते हैं तुम मेरी सोलमेट हो, यू आर माई सोलमेट। अब देखो डियर क्या कहना चाहते हैं, गाना भी है, और गाना के साथ क्या है, कैसे तुम मुझे मिल गए, किस्मत पे आए ना यकीन। उसके बाद सोलमेट का कार्ड आया है, ठीक है, उसके बाद ये कहते हैं कि तुम मुझे परफेक्ट करती हो, ठीक है, और यहाँ पे दिख रहा है डियर, ये बहुत खुश है,
ये बहुत खुश है आपको पाकर, अपने लाइफ में पाकर आपको बहुत खुश है, और ये गाना भी गा रहे कैसे मुझे तुम मिल गए, किस्मत पे आए ना यकीन। तो ये एनर्जी आपके पार्टनर का है और ये आपको सोलमेट कह रहे हैं। देखिए डियर, यहाँ पे सोलमेट की एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग दिख रही है। तो यहाँ पे आपने देखा लीगल इश्यू, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं डियर आपके पर्सन। डियर मैंने जो बोला हीलिंग के लिए जो बोला था, देखिए मेडिटेशन का कार्ड आ गया है। तो यहाँ पे देखिए ओवर थिंकिंग आपके पर्सन कर रहे, इसलिए वेटिंग एनर्जी आई, क्योंकि लाइफ में ये परेशान है डियर, ठीक है, ये मिल नहीं पा रहे होंगे, ठीक है, हो सकता है मिल नहीं पा रहे, आपसे डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, आपसे खुलकर इजहार नहीं कर पा रहे, आपकी एनर्जी नहीं मिल रही, आपका पैम्पर सपोर्ट प्यार नहीं मिल रहा है, हो सकता है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, या पेरेंट्स इश्यू है, फैमिली इश्यू है, थर्ड पार्टी इश्यू है, और ये आपके न मिलने से, आपके करीब न आने से भी ये बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और ये आपको चाहते हैं। यहाँ पे फिजिकली भी अट्रैक्शन बहुत है डियर, ठीक है, फिजिकली आपको ये मिस ज्यादा कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको बोल रहे हैं थोड़ा सा रुक जाओ, मैं सब कुछ ठीक करूंगा, क्योंकि ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपको लेकर डियर, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। मैंने बोला था डियर हीलिंग के लिए, मैंने आपको शुरू में ही बोला हीलिंग प्रोवाइड कैसे होता है, जैसे कि मैं अपनी हीलिंग जैसे करती हूँ, सॉन्ग के थ्रू करती हूँ, काम के थ्रू करती हूँ, ठीक है। अगर जो मेरे व्यूवर्स ने बैलेंस नहीं किया तो आपको हीलिंग करनी जरूरी है, ठीक है, सेवन चक्रा का मेडिटेशन यानी सेवन चक्रा का हीलिंग बहुत जरूरी है, इसलिए अपने माइंड को, अपने सोल को कंट्रोल कीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने पार्टनर को वहां से निकाल कर लाइए जहां ये फंसे हुए हैं। ये कैसे होगा, खुद पर फोकस कर, सेल्फ लव कर, खुद की हीलिंग कर, ठीक है, जितना हो सके अपने ऊपर बैलेंस कीजिए, क्योंकि आपके पार्टनर अनकंडीशनल लव करते हैं। आपने देखा यहाँ पे जो एनर्जी निकल कर आई, सारा बयां आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं, और आपको हीलिंग करनी है सेवन चक्रा की, ठीक है डियर। देखो डियर अब मैं क्या बोलूं, आपके सामने ही आ रहा है, प्लीज आप लोग फोकस कीजिए बेटा, इसलिए जरूरी है, आप जितना जल्दी अपने ऊपर फोकस करेंगे उतनी जल्दी ही आपको सफलता मिलेगी। परेशानियां आती है, पेशेंस रखना होता है, लेकिन जब आप मेडिटेशन करते हो तो हीलिंग के साथ साथ आपको बैलेंस भी मिलता है, आपके सोच विचार सब कुछ चेंज आते हैं, आप सही डिसीजन ले पाते हो, ठीक है, गुस्से पे कंट्रोल करते हो, विश्वास करते हो, आपके अंतर आत्मा में वो ग्रोथ होती है, स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, अपने पार्टनर के फीलिंग्स को कैच करते हो, उनके एनर्जी को कैच करते हो, तो मेडिटेशन आपके लिए बहुत जरूरी है, आपकी हीलिंग बहुत जरूरी है बेटा, इसको करो, ठीक है, इसकी हीलिंग होगी तो आप सब कुछ जीत सकते हो, दुनिया की हर खुशी जीत सकते हो, ठीक है। आपके पार्टनर बोलना चाहते हैं, उन्हें महसूस होता है डियर, उन्हें कहीं ना कहीं महसूस होता है ये दुनिया और ये तन्हाई, जो भी सेपरेशन आया है इनसे उनको ये एहसास हुआ है कि आप उनकी सोलमेट हो, कुछ ना कुछ कनेक्शन है, जो कि वो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, ये आपके पार्टनर ऐसा सोचते हैं, मिस करते हैं, और ये आपसे ये कह रहे हैं, उनका सोल उनका माइंड ये फील कर रहा है और ये आपको मैसेज दे रहे हैं। लेकिन डियर मैं यहाँ बता देती हूँ यहाँ पे क्या आया है, ये महसूस तो करते हैं, अगर आप सोलमेट जर्नी ट्विन जर्नी में हो, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, तो इसको इग्नोर मत करना बाबू, यही चीज है जो आपको अपने लाइफ में पार्टनर को लाता है, खुशी लाता है, आपके लाइफ में हैप्पी बिग चेंजेस लाता है। तो यहां तक करने के लिए आपको ये करना बहुत जरूरी है, ठीक है, बहुत ज्यादा देखिए सोशल मीडिया पे स्पाइक करना कि आपके पर्सन है ये खुश नहीं है, ये बेचैनी है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपको देखना चाहते हैं, मिस कर रहे हैं, और आपको बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे स्पाइक करते हुए नजर आ रहे हैं, और ये खुश नहीं है, ये कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत स्पाइक कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे बारे में लगातार सोचे जा रहा हूँ, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं डियर, और ये कहना चाहते हैं मैं खुश नहीं हूँ तुम्हारे बगैर, खुश नहीं हूँ, क्योंकि उन्हें ऐसा एहसास होता है कि आप उनकी सोलमेट हो, हमारा कोई खास रिलेशनशिप है, हमारा पास्ट कनेक्शन है, ठीक है डियर। यहाँ पे आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं, उनकी ट्रू फीलिंग्स है, ठीक है, यू आर माई लाइफ, अब मैं इसे ज्यादा नहीं बनाऊंगी लंबा डियर, सब कुछ यहीं पे आ गया, यू आर माई लाइफ, और इससे ज्यादा मैं कुछ निकाल ही नहीं सकती, जब पूरा आ गया है मैसेज डियर तो आगे निकलने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ फिजिकली देखिए ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है, लास्ट में ये आया डियर यू आर माई लाइफ, ठीक है, इनको एहसास हो रहा आप कौन हो,
तो यहाँ पे थोड़ा वेट करा सकते हैं क्योंकि ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ठीक है, ओवर थिंकिंग से क्या हुआ दिया कि हाँ आपके पार्टनर को हेडक हो सकता है, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है दिया कि आपके पार्टनर को हेल्थ इश्यू भी होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा आपके बारे में सोचे जा रहे हैं डियर। ठीक है डियर, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है या आपके पार्टनर का मैसेज है तो उनको लव यू सो मच बोलिए, उनको हीलिंग प्रोवाइड कीजिए और जल्द से जल्द अपने आप को हीलिंग कीजिए। ठीक है, अपने आप को बिजी रखिए और अपने पार्टनर के लिए हीलिंग सेंड कीजिए ताकि वो वहां से निकलकर आपके तरफ खुलकर इजहार कर सके, जो भी प्रॉब्लम है, सेपरेशन है, खुलकर आपके सामने आकर आपसे इजहार कर सके। उनको निकालना आपका काम है बाबू, आप एक शक्ति हो। ठीक है, आप एक शक्ति हो, शिव की शक्ति कौन है, पार्वती है। ठीक है, उसी तरह आप अपने पार्टनर की भी शक्ति हो, तो आप अपनी शक्ति को जगाइए ताकि आपके शिव आपके पार्टनर आपके तरफ आए। मेल हो फीमेल हो डियर, सबके लिए है, जिसको जैसे लेना आप ले लो। बस ये आपको अच्छा लग रहा है, ये मैसेज रेजोनेट हुआ है डियर, तो थैंक यू, ग्रेटिट्यूड यूनिवर्स एंजल्स गॉड को दीजिए और एंसेस्टर को दीजिए, अर्थ मदर को दीजिए, खुद को भी दीजिए। ठीक है, आप भी आप शक्ति हो तो आप अपने आप को भी दीजिए। चलिए डियर, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा डियर। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।